इस जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम में जो हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा के 75 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात हम एक समारोह के रूप में यहां पर आयोजित कर रहे हैं। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, आदरणीय श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी, जोगिंद्रनगर के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई प्रकाश राणा जी, हमारे बीच में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष अशोक शर्मा जी, पार्टी के हमारे साथी अजय सकलानी जी, डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, यहां उपस्थित सभी भाई और बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं नाम की उस सूची को पूरा नहीं कर पा रहा हूं जो संबोधन के लिए थे, समय की कमी है। भाई और बहनों, आज फिर से एक बार जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में आप सबके बीच में आकर के आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है, किसी का इंतजार नहीं करता है। हिमाचल में आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार को 5 वर्ष होने जा रहे हैं और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद एक परीक्षा की प्रक्रिया में से हम सबको गुजरना है। उस सिलसिले में भी हम आप बात करेंगे, लेकिन आज का ये कार्यक्रम विशेष तौर से हमने अलग तरह का कार्यक्रम तय किया है। कार्यक्रम इस तरह का अलग है कि हिमाचल प्रदेश की यात्रा के 75 वर्ष पूर्ण हुए, यानी कि हिमाचल प्रदेश के गठन। अगर मैं इस पूरे पंडाल में देखूं, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, मुझे लगता है कि अगर चाहे मंच की बात करें तो मैं नीचे की बात करूं, मुझे लगता है कि ठाकुर गुलाब सिंह जी हमारे बीच में एकमात्र ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का गठन अपने जीवन में, क्योंकि बाकी हम सब लोग, आप सब लोग जो है इस दुनिया में सुख नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाह रहा हूं कि जब हिमाचल प्रदेश, जिस हिमाचल प्रदेश में हम और आप सब लोग आज रहते हैं, आनंद की जिंदगी जी रहे हैं, हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग परिश्रम कर रहे हैं, उस हिमाचल के बारे में कुछ चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की आजादी के 75 वर्ष बीतने पर अमृत महोत्सव के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए, कई लोग उस पर भी प्रश्न खड़ा करते हैं कि आखिरकार इन कार्यक्रमों की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता भाई और बहनों ऐसी है कि याददाश्त की एक सीमा होती है। भारत को आजाद करने के लिए जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दी और भारत की आजादी के बाद जो भारत हमको मिला था, उस भारत में किस प्रकार से संघर्ष के साथ हम आगे बढ़े और 75 वर्षों की यात्रा को पूरा किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शोक का विषय है, एक अपने आप में एक जो है बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है। इसलिए हमारे ये दायित्व बनता, जिम्मेवारी बनती है कि जो नई जनरेशन, नई थी, कम से कम उन हालातों को, उन परिस्थितियों को तो समझे जब भारत स्वतंत्र हुआ। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने अनेकों कार्यक्रम, अभी हाल ही में कार्यक्रम आपके बीच में किया और उस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 अगस्त
कि जिन तय किया कि क्या यह संभव है कि हर देश का नागरिक अपने घर में तिरंगा झंडा गड़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान हुआ कि मैं चाहता हूं कि हर घर में तिरंगा लगे, और इसलिए उन्होंने नारा दिया हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और पूरा देश उस आह्वान के साथ तल पड़ा। हमने देखा गरीब से गरीब आदमी भी जाकर के तिरंगा झंडा ढूंढ रहा था कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी अपने घर में तिरंगा झंडा लगा। आज हम हिमाचल प्रदेश में हम निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, गाड़ियों से जब सफर करते हैं तो हम देखते हैं कि एक चाय वाले की छोटी सी चाय की दुकान है, लेकिन तिरंगा झंडा उसमें भी लगा हुआ है। एक ढाबे वाले का ढाबा है, लेकिन उसमें भी तिरंगा झंडा लगा है। देश के प्रति एक समर्पण का भाव खड़ा करना, देश के प्रति जज्बा पैदा करना, ये देश की आवश्यकता नहीं, ये आज हम सब की आवश्यकता है। इसलिए भाई और बहनों, इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने एक उदाहरण दिया। जैसे कि मेरे साथी कह रहे हैं कि हम चुनाव के बहुत करीब हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी हम बहुत सारे आयोजन करने का सोच रहे, लेकिन वो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो हमने सोचा कि क्या कार्यक्रम किया जा सकता है, तो हमने एक कार्यक्रम पूरे हिमाचल के लिए तय किया। वो कार्यक्रम ये तय किया कि हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा के लिए जो हिमाचल के सभी भाई बहनों ने जो योगदान दिया है उसका अभिनंदन होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए, उसके लिए उनके बीच में जाकर के आभार व्यक्त करना चाहिए, और आने वाले समय में हिमाचल को और मजबूती के साथ आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए हम सबको काम करना है, उसके लिए निवेदन करना चाहिए। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं जुगलगढ़ नगर विधानसभा क्षेत्र में आज के इस कार्यक्रम में इसी काम की हूं। आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी हमसे पहले, जिस डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद जो नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में रहा, चाहे वो डॉक्टर वाई एस परमार रहे, चाहे ठाकुर रामलाल जी रहे, चाहे फिर शांता कुमार जी रहे, चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे, चाहे फिर इंदुमान धूमल, हमने सबका टिकट किया है क्योंकि उनका भी योगदान रहा है हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमने जो कार्यक्रम वो कार्यक्रम हमने ये तय किया कि हम सार्वजनिक मंच से हिमाचल की जनता का पूरे प्रदेश में जाकर के उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है हिमाचल प्रदेश को आज जहां पहुंचे हैं, जहां पहुंचा है। इसलिए आप सबका भाई और बहनों बहुत बहुत आभार। एक मजदूर ने मजदूरी करके अपना योगदान दिया, एक कर्मचारी ने नौकरी करते हुए अपना योगदान प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए दिया, एक डॉक्टर ने अपनी भूमिका निभाते हुए, इंजीनियर ने अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने का योगदान दिया, एक किसान एक बागवान ने अपनी तरह से उसमें अपनी सहभागिता दी, और इसलिए हिमाचल आगे बढ़ा। और जब हिमाचल बना था 288 किलोमीटर सड़क थी, याद 39,500 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में है। आप कल्पना कर सकते हम कहां थे और कहां पहुंचे। और मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबसे इस बात के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा, सामने को हमारी ये प्रदर्शनी लगी है, आप जाकर के ध्रुव देखें, हिमाचल तब और हिमाचल अब, उस वक्त हिमाचल कैसा था और आज हिमाचल कैसा है, इसको देखने की आवश्यकता है, और सिर्फ देखने की आवश्यकता नहीं, इसको समझने की भी आवश्यकता है। आप देखेंगे अगर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी अगर इस पर जाएंगे प्रदर्शनी में, चंबा या पांगी घाटी की नदी के ऊपर घास का बना हुआ पुल, घास की रस्सी से बना करके पुल को लोग जोड़ करके रखे हुए और उसके ऊपर से लोग जाते थे, नदी को पार करने के लिए पुल नहीं हुआ करते थे। पुल के बजाय उस वक्त क्या होता था,
भैंस की खाल में हवा भर के उसको फुला दिया जाता था और उसका सहारा ले करके उसके साथ नदी को तैर करके पार करते थे। ये दौर था। जब हिमाचल बना उस वक्त हिमाचल प्रदेश में हमारी साक्षरता था 4.8 थी और महिलाएं तो 2% पर थी, यानी कि 200 में से 2 महिलाएं पढ़ी होती थी। और आज हिमाचल प्रदेश केरल के बराबर का साक्षरता दर में हम कह सकते हम पीछे नहीं है, हम केरल के बराबर है आज के दौर में, पूरे देश में अव्वल नंबर पर। हर क्षेत्र में काम किया है, लेकिन ये तभी संभव हुआ जब हिमाचल के मेहनतकश लोगों ने हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात परिश्रम किया। हमारे कई मित्र आजकल इस तरह के प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, बड़े बड़े तंबू लगा रहे हैं, बहुत परेशानी है, और हम क्यों ना जाए कि हमें इस बात के लिए उनकी अनुमति लेनी। ये पहली बार हिमाचल के इतिहास में हो रहा है जब प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश भर में प्रदेश की जनता का अभिनंदन करने और उनको धन्यवाद, उनको बधाई देने के लिए हिमाचल की इस यात्रा में उनके योगदान को स्मरण करने करवाने के लिए जा रहे हैं। और हिमाचल की जनता से अपील करके कि आने वाले समय में आपका भी आपका सहयोग भी इसी प्रकार से फिर से हमको चाहिए हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए। इस तरह के कार्यक्रम आज से पहले कभी नहीं। स्वाभाविक रूप से हम श्रेय देते हैं, एक नेता को देंगे, हम एक नेता को देंगे, दूसरे वाले दूसरे नेता को देंगे, तीसरे वाले तीसरे नेता को देंगे। नेताओं का योगदान भी स्वाभाविक रूप से होगा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान नेताओं का जिक्र तो मंच पर से होता है, लेकिन लोगों का जिक्र करने के लिए हम निकले हैं। जिन लोगों की वजह से हिमाचल आगे बढ़ा है उनको हमको स्मरण करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। इसलिए भाई और बहन, आप सबके बीच में मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल में आप सबके आशीर्वाद से हमें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ और 5 वर्ष हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हो जा रहा है। लेकिन कहने के लिए 5 वर्ष, लेकिन हकीकत ये भी है कि सही मायने में काम करने का वक्त तो सिर्फ 3 साल मिला, 2 वर्ष तो कोविड के चले गए। अलग तरह की परिस्थिति थी, अलग तरह के हालात थे। एक सामान्य परिस्थिति का कार्यकाल हमारा ये नहीं रहा, इस बात को भी हमको समझना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा आप सबके बीच में, आज मैं आपके यहां जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र में आया हूं जहां एक दौर ऐसा हो गया कि आदमी की जिंदगी को कैसा बचाया गया जाए, काम अपनी जगह रहा लेकिन जिंदगी से महत्वपूर्ण, जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं है, जिंदगी को कैसे बचाएं, ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया। लेकिन हमने जीवन को बचाने के लिए भी प्रयत्न किए, उसमें भी सफल हुए और आज हम आपके विधानसभा क्षेत्र में 15 उद्घाटन और 24 शिलान्यास के कार्यक्रम एक साथ यहां सामने करने वाले हैं, जिसमें 367 करोड़ रुपए 367 करोड़ रुपए का उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक दिन में एक स्थान पर एक समय पर आपके होने जा रहे हैं। इसका क्या होता है? इसका अभिप्राय यह है कि जहां आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए काम करना था वो भी हमने किया, जिम्मेवारी के साथ किया और बेहतर ढंग से किया, और दूसरी तरफ प्रदेश के विकास के लिए हर क्षेत्र में काम करना था वो हर क्षेत्र में किया और वो भी डट करके किया। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप सबका सहयोग मिला, हम भी आपके साथ हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस हिमाचल प्रदेश के इस 5 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल के लिए रहा। हर कदम पर उनका सहयोग रहा, हर कदम पर उनका मार्गदर्शन रहा, हर जगह उनका
उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहे, क्योंकि हिमाचल को अलग नहीं मानते, हिमाचल ऐसा मानते हैं जैसे कि उनका अपना प्रदेश है। और इस बात को वो कहते नहीं है, दिखाते भी। आप कल्पना करिए, अभी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ नहीं हमारा, लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के साथ साथ में प्रधानमंत्री जी के हिमाचल प्रदेश के दौरों की संख्या 10 होने जा रही है, 7 हो गए, 3 अब आने वाले समय में होने वाले हैं। एक 24 तारीख को मंडी है और 24 तारीख के कार्यक्रम में मंडी में भी मेरा सबसे निवेदन है कि आप बड़ी संख्या में पहुंचे, खासतौर से युवा यहां पर बैठे हैं, युवाओं से मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा, युवा रैली रखी है और उस रैली में आप सबको बड़ी संख्या में पहुंचना है और मंडी में आपको स्वागत करेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 7 बार हिमाचल आए और 5 वर्ष के कार्यकाल में 10 बार जिनका आना हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पर उनका रिश्ता इस प्रदेश के साथ किस प्रकार का है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमारे कई साथी इस तरह की बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए थे कुछ नहीं मिला, प्रधानमंत्री यहां आए थे कुछ नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे नेता हैं जो जिनसे मांगने की जरूरत कभी हुई ही, अपने आप जो कुछ भी देना है अपने आप देते। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए के ज्यादा के प्रोजेक्ट उन्होंने हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत किए, अभी हाल ही में 800 करोड़ रुपए हिमाचल के विकास के लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए दिए, अभी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण बरसात के कारण नुकसान हुआ तो सबसे पहले पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए राहत कार्य के लिए दिया गया, इसलिए कि ये हिमाचल अपना है, ये प्रदेश अपना है, ये पहाड़ी प्रदेश है, छोटा है, अपने संसाधन का मैं हमें केंद्र से मदद करें। एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो हिमाचल को अपना घर कहते थे और घर की तरह मानते भी थे। जब भी इनको अवसर मिलता था हिमाचल आते थे, मनाली में रुकते थे, हफ्ता हफ्ता 10 दिन रुकते थे। और दूसरे प्रधानमंत्री जो हिमाचल को अपना घर कहते हैं, घर मानते हैं, वो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। 8 साल का पूरे देश का कार्यकाल केंद्र सरकार का पूरा होने पर भी जश्न कहां मनाया गया, शिमला के रिज के मैदान पर, और पूरे देश ने पूरी दुनिया ने उस कार्यक्रम को वहां देखा। और इन पे जाने से पहले जब माल रोड पहुंचे तो माल रोड पर गाड़ी छोड़ करके निकल पड़े, ये हिमाचल मेरा अपना हिमाचल, ये माल रोड में बसों तक घूमते थे, साथियों को मिलते थे, पुरानी यादों को ताजा किया। धर्मशाला आए, 2 दिन रुके, हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत परेशान हुए, ग्रंथ में एक ही बात ये कहने की कि मोदी जी आए थे लेकिन दिया कुछ नहीं। उन्हें मालूम होना चाहिए अभी प्रधानमंत्री जी ने हाल ही 1 हफ्ता पहले बल्कि फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को दिया जो ऊना जिला में लगेगा, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, 50,000 करोड़ रुपए का पूरा इन्वेस्टमेंट जो पूरा हो जाएगा, 50,000 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट उसमें होगा और 10,000 से ज्यादा लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार का। आप कल्पना करिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट पर हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए, पूरे देश भर में 3 प्रोजेक्ट बनने थे, वो 3 बल्क तक फार्मा पार्क बनने थे और 1 हिमाचल के हिस्से में आना ये छोटा विषय नहीं भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा विषय है। इसलिए बहुत सारी बातों का जिक्र कर सकते हैं, मैं उन सारी बातों में ज्यादा नहीं जा रहा। यहां भाई प्रकाश राणा जी कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग आए थे और यहां पर कुछ कहे गए कि हमें ही कहा कि हेलीकॉप्टर में कहा ले गए मुझे दुबई। उन्हें मालूम है कि उनको मालूम होना चाहिए बात ठीक ही कही उन्हें कि हेलीकॉप्टर कितनी देर तक की यात्रा कर सकता है। कुछ बातें कहो जो लोगों को हजम हो सके कम से कम, और ऐसा ज्ञान बांटते हैं कुछ लोग, ऐसा ज्ञान बांटते हैं कि सारी पूरी खानदान का ज्ञान जो है वो उन्होंने ही ग्रहण कर लिया है।
मैं उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में बोलने का आदि नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में कहा कि भाई पूरे देश भर में रिवाज बदल रहा है, हमें भी रिवाज बदलना चाहिए। इस बात से बहुत परेशानी होती है, हमारे रिवाज बोलने से उनके कलेजा फट जाता है, ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत परेशान होते हैं। हमने कहा भाई परेशान क्यों होते, जब रिवाज बदल रहा है तो बदल रहा है। और पूरे देश में बदल रहा है। हमारे पड़ोस के राज्य उत्तराखंड में रिवाज था कि हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलती थी, अब की बार भाजपा की थी, फिर भाजपा की बन गई, रिवाज बदल गया। हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा, वहां सरकार बनती ही नहीं थी हमारी, और वहां पर सरकार 2014 में बड़ी, 2019 में 5 साल के बाद फिर चुनाव हुआ, फिर भाजपा की सरकार बनी, रिवाज बदला नहीं। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से उत्तर प्रदेश में सरकारें बदलती, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, अब की बार योगी जी थे, योगी जी फिर आ गए ना, तो क्या हुआ, रिवाज बदला ना। गोवा में, मणिपुर में फिर भाजपा की सरकार बनी। जब पूरे देश भर में रिवाज बदल गया तो हम हिमाचल के लोग क्यों छोड़ेंगे भाई, हम भी बदलेंगे और पूरी तरह से बदलेंगे और बुरी तरह से बदलेंगे। कहां की बड़े बड़े लोग निकल, कहां की बड़े बड़े लोग निकल पाए, हम समझ नहीं पाए बड़े बड़े लोग कैसे होते हैं, कौन होते हैं, हम तो हम, यानी कि उनके दिमाग में इस बात का बोझ इतना पड़ गया है कि वो बड़े हैं बाकी सब छोटे हैं। मैंने कहा कुछ काम छोटे लोग भी करते हैं, अब की बार छोटे लोग मिलकर के इस काम को करेंगे, तसल्ली से करेंगे। कहा कि 7 बार 6 बार मुख्यमंत्री रहे राजा साहब, वो नहीं कर सके, जयराम की सेब की मूली है। हमें तो मूली के साथ तुलना करो तो कुछ, हम छोटे आदमी भाई, हमने गरीबी को देखा नहीं है, हमने गरीबी को जिया है। हम 18 किलोमीटर स्कूल के लिए जाते थे, 9 किलोमीटर जाते थे, 9 किलोमीटर आते थे। हम बड़े नहीं हो सकते हैं, हम छोटे हैं, लेकिन छोटे होकर के भी कुछ काम हम करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, गरीब आदमी का दर्द छोटा आदमी ही समझ सकता है, गरीब आदमी ही समझ सकता, बड़े बड़े लोग नहीं समझ सकते, इस बात को समझना। आज अगर हिमाचल प्रदेश में हम बात कर रहे हैं, हमें मालूम है कि एक आदमी को, एक गरीब परिवार के एक बुजुर्ग को 1800 रुपए उसको पेंशन का जब आता है तो कितना उसके दिल को सुकून होता है, मेरी पेंशन आ गई, मैंने 2 चीजें ये लेनी है, मैंने शेव की ब्लेड लेनी है, मैंने मेरी दवाई का इंतजाम इससे हो जाएगा, मेरा 4 चीजें उससे हो जाएगी। इंतजार करता हुआ, लेकिन बड़े बड़े लोग नहीं समझ सकते हैं कि उस पेंशन से क्या, उसकी भावनाएं कैसी है उस गरीब आदमी, क्योंकि वो बहुत बड़े। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे पेंशन में, 1300 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में पेंशन पर खर्च कर रहा है। वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को हिमाचल में पेंशन दे रहे हैं। ये अंतर है बड़े लोगों के और छोटे लोगों के काम करने के तरीके। गरीब आदमी का इलाज हो, जिसका जिक्र यहां मुझसे पहले भी हो रहा था, बड़ा आदमी नहीं समझ सकता, क्योंकि बड़ा आदमी तो बड़ा होता है, उसके इलाज के लिए सुविधाएं सब जगह मौजूद है, लेकिन गरीब आदमी जब बीमार होता तो उसका इलाज कौन करेगा, कैसे करेगा, और उसके लिए जब पैसे नहीं होते हैं तो परिवार के लोग घर की जगह जमीन बेचने पर जो है वो बेचारे विवश हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति उनका, उसकी स्थिति क्या होती है। हमने कहा यह जिम्मा हम लेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में जैसे आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए शुरू की, हमने बाकी के परिवारों को हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हिमकेयर की शुरुआत की, और हिमकेयर के माध्यम से गरीब लोगों का इलाज हमने सुनिश्चित किया। और आज गरीब आदमी अगर बीमार होता है, अगर पैसे देने नहीं है तो वो हिमकेयर का कार्ड लेकर के जाता है, अपना इलाज करके आता है, स्वस्थ होकर के आता है। 3,20,000 से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज हमने हिमकेयर के माध्यम से किया।
हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। यह गरीब लोगों का भावनात्मक इश्यू हो सकता है उनके दिमाग में, क्योंकि वो सोचते थे कि हमारे घर में तो होगा नहीं, और बड़े लोगों का सोचने का यह विषय नहीं बन पाया। और हमने ये तय किया कि कोई गरीब गैस के चूल्हे के बिना नहीं हो छूटना चाहिए, हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर के लिए गैस के चूल्हा देने की व्यवस्था की, गैस का कनेक्शन देने की व्यवस्था की, और हिमाचल प्रदेश में 3,35,000 गैस के चूल्हे हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की ओर से दिए। एक भी घर नहीं छोड़ा जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंचाया। ये बड़े लोगों को सोचने का, जो लोग बार बार सत्ता में रहे, जो अपने आप को बड़े कहते हैं, बहुत बड़े मानते हैं, उनकी सोच का विषय भी बन पाया ये। लेकिन छोटे लोगों का सोच इसलिए बन पाया कि छोटे लोगों को आज काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने सहारा योजना चलाई, ऐसे लोग जो बिस्तर पर हैं, चल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, लेकिन जिंदा है, परिवार का हर आदमी, एक आदमी कम से कम लगातार उनके पास उनको बैठना पड़ता है। 20,000 ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे निकले जो बिस्तर पर हैं, जिंदा हैं, लेकिन अपना काम पानी का गिलास तक खुद नहीं उठा सकते हैं। ऐसी हमने उनके लिए हमने सहारा योजना की शुरुआत की। उनके उनके खाते में हर महीने का 3,000 रुपए डाल करके उनकी मदद कर रहे। लेकिन बड़े आदमी की सोच का विषय नहीं बनता है, क्योंकि वो बहुत बड़े थे। किसी को अगर बीमारी लगी है तो लगी, मरता है मरे, जिया है जीता है जिए, क्योंकि वो बड़े थे। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमने एक बेटी जो है उसकी, अगर बीपीएल परिवार की है, गरीब परिवार की है, उस बेटी की शादी जब होगी, हमने कहा कि हम शगुन योजना शुरू करेंगे और उस बेटी के शादी के दिन उसके खाते में 31,000 रुपए हम सरकार की ओर से उसको आशीर्वाद के साथ शगुन भेजेंगे, हमने किया। लेकिन दूसरे लोगों के, बड़े लोगों का ये सोचने का विषय नहीं है। हमने महिलाओं के लिए आने जाने की व्यवस्था को और सरल करने के लिए, क्योंकि महिलाएं अब घर के अंदर नहीं है, घर से बाहर निकलती है, काम के लिए निकलती है, ऐसी सूरत में उनके लिए भी मदद होनी चाहिए। हमने कहा कि आबादी का आधा हिस्सा है तो किराया भी आधा देंगे, आधा किराए के साथ हमने उनके लिए मदद करने की कोशिश की। लेकिन बड़े लोगों का ये सोचने का विषय नहीं बनता। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि जो बिजली का किराया आता है, जो मध्यम वर्ग का जो हमारे परिवार होते हैं, वो 120 यूनिट 125 यूनिट खर्च करते हैं। हमने कहा गरीब तबका और मध्यम वर्ग दोनों के लिए, दोनों स्लैब में हमने तय किया 125 यूनिट हम बिजली जो है वो हम फ्री देंगे, ये हमने तय किया। अभी आपने देखा होगा कि जुलाई महीने का बिल आया, लेकिन बिल आया तो कितना आया, जीरो मिला। ये पहली बात। बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे तो बहुत लंबी बात जाएगी, उन सारी बातों पर मैं जाना भी नहीं चाह रहा हूं। भाइयों बहनों, मुझे आप सबके बीच में एक बात जरूर करनी है। अगर सही मायने में आप हिमाचल की भावनाओं को मोदी जी के साथ जोड़ करके देखते हैं तो हमको उन भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि देश में मोदी जी मजबूत हों, आगे बढ़े, 2024 में चुनाव होगा उसमें फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और निश्चित रूप से बनेंगे, लेकिन हम छोटे जैसे हिमाचल प्रदेश का योगदान जिस प्रकार से पिछली बार भी रहा, उस वक्त हमने चारों की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश की जीत करके दी थी, उस हालात को फिर से हम पैदा करेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है हिमाचल प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार। और भाजपा की सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनेगी, मुझे पूरा भरोसा है। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का सहयोग हमको सरकार में पूरी तरह से रहा। आज के प्रतिनिधि के नाते प्रकाश राणा जी का भी, भले ही चुनाव में हमने इनका साथ नहीं दिया, ये खुली बात है, लेकिन उसके बावजूद
इन्होंने जब जीत करके आगे तो उसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सरकार को सहयोग देने की बात कही, हमने स्वीकार की और सहयोग से हम आगे बढ़े और जोगिंदर नगर के विकास के लिए जो मुझसे हो सकता था, जो किया जा सकता था वो हमने करने की कोशिश की। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि हमने ज्यादा किया और ये दावा भी मैं करना चाहता हूं कि हमने बाकियों से ज्यादा किया, लेकिन मैं इतना भी कहना चाहता हूं बाकियों से कम भी नहीं किया। ये पक्की बात है, हर क्षेत्र में जो चाहा, जो कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की, तभी जाकर के आप यहां आज 367 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाएं वहां सामने इंतजार कर रही हैं, जो है पर्दा उठने का, तो उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन आने वाले समय में भी और इसलिए आप सबका सहयोग चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और जोगिंदर नगर के लिए हमारे लिए प्रसन्नता का विषय यह भी है, और प्रसन्नता का विषय हमारे लिए ये भी है, हिमाचल प्रदेश में जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, आपका बिजली का प्रोजेक्ट, जो भारत में वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है, ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है हमारा, क्या बोलते हैं सानन प्रोजेक्ट, और इस सानन प्रोजेक्ट की अब जो इसकी लीज की जो अवधि है वो भी समाप्त होने जा रही है, नेशन में अगले साल होने जा रही है, समाप्त होने जा रही है, और ये प्रोजेक्ट हमारा होगा, हिमाचल का होगा, इसको हम हिमाचल में लाएंगे और निश्चित रूप से उसके लिए जो कानूनी लड़ाई जो भी हमको लड़नी होगी उसको लड़ेंगे और निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और दूसरा उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि कुछ बातें यहां पर कही गई, अगर मैं जिक्र करूं जो हमने यहां पर आज उद्घाटन शिलान्यास किए तो बहुत लंबी सूची है, और जिसमें एक पुल में देख रहा था संधा में व्यास नदी पर बने आर्क ब्रिज का जो है उद्घाटन हुआ, 25 करोड़ की लागत से बनकर के ये तैयार हुई ये पुल, मैं भी कभी देखना चाहूंगा भाई, ये पुल देखना चाहूंगा मैं, बड़ा पुल है आपके यहाँ पर। और उसी तरह से आपके यहाँ पर जिसमें था गुलाब सिंह जी ने भी जिक्र किया, वही पुल है, वो तो सांडा पतन का पुल है जो वो भी शायद निकल में 25 करोड़ की। हाँ जी, और पानी की एक स्कीम है जिसको मैं देख रहा हूं, 166 करोड़ रुपए की स्कीम, 170 करोड़ रुपए की स्कीम, आप फिर भी उसके बावजूद ताली नहीं बजा रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि क्या हो गया। अरे यहां ठाकुर गुलाब सिंह जी बैठे हैं, पुराने जमाने में अगर बात करें 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी, 5 करोड़ की स्कीम होती थी ना, विधायक उछल उछल करके जो है वो पूरे इलाके में जाते थे उसका प्रचार करने के लिए, लेकिन यहां आप ताली में कम जा रहे हैं, मेरे कहने के बाद उठा रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अब बहुत सारी चीजें ऐसी होने लग पड़ी जिस पर लगता कि हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं किसी भी क्षेत्र में विकास होता है उसका अभिनंदन होना चाहिए और विकास करने वालों का भी अभिनंदन होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। भाई और बहनों, समय होता जा रहा है, मैं आप सबके बीच में 2-3 चीजों का मैं जिक्र करूंगा, राणा जी आप बैठ जाएंगे मुझे लगता है, अब मेरे ऊपर ज्यादा मत करना, दबाव मत डालिए यहां। एक ये कहा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो है वो जिमगिमा नाम होता है, जिमगिमा का दर्जा बढ़ा करके उसको हाई स्कूल करने की बात कही है, नॉर्म्स में पूरा आना चाहिए, और इस स्कूल को हम जो है उसको मिडिल स्कूल को हाई स्कूल करने की यहाँ आपके बीच में घोषणा करते हैं। और 2-3 भाई बोल के नहीं होगा, ये खटके होगा, देखना जयराम बार बार करें कह तो रहे हैं आप, लेकिन उसके लिए एक पटवार सर्कल की बात कही है खोलने के लिए ग्राम पंचायत धार में, और दूसरा कहा है एक हाँ पटवार सर्कल धार में कहा गया इसको खोलने की बात कही है, इसमें जो हमारे नॉर्म पूरे होने चाहिए इसको निश्चित रूप से हम करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और साइंस क्लासेस के लिए शुरुआत करने के लिए मैंने कहा कि साइंस क्लास जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल तुला में और वहां पर करने की बात कही है, इसकी मांग की है हमने, इसको भी हम पूरा करेंगे। और एक और बताया ग्राम पंचायत
गुमा में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने की बात, हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने की आवश्यकता रही होगी, लेकिन फिर भी अगर ये डिस्टेंस और पॉपुलेशन के नॉर्म्स को पूरा करता है तो उसको निश्चित रूप से खोलेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बाकी सारी चीजें इनमें लिख करके दी है, इनने सूची बहुत लंबी बनाई है, इस सूची को कौन से एक स्कूल बताओ, बस मैं कौन सा नाम बताऊ स्कूल का, तो मैं आप सब से यही कहना चाह रहा हूं, बाकी जो जिन्हें सूची दी है उसमें से, हाँ जी कौन सा एक स्कूल का बताया कि पपलोटू स्कूल है, ये हाई स्कूल है वर्तमान में, जिसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने की जो बात कही है तो इसको भी करेंगे, बस इसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास आनी चाहिए, पूरा इसके नॉर्म्स के मुताबिक सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। बाकी जो कागज दिए हैं हम बैठ करके चर्चा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम जो भी करना होगा उस पर करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं आप सबसे, इतना निवेदन मैं करना चाहता हूं कि आओ एक बार फिर से एक दौर, नया दौर शुरू करें, जब हम सब फिर साथ हों, हमारी सरकार यहां भी हो, दिल्ली में तो है ही है, हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बने, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है जोगिंदर नगर जिस प्रकार से हमेशा हमारा साथ देता रहा, सहयोग देता रहा, आप उसी तरह से हमको साथ सहयोग देंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे, और मैं आप सबके लिए यही कहूंगा कि रिवाज बदलने की उस दौर में आप भी अपने आप को शामिल करिए, और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, आओ उस काम को पूरा करने के लिए आज से हम संकल्प लें। इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक खेल मैदान के लिए कहा, एक मान खेल मैदान की आई है बात, यही इसी ग्राउंड को और इस ग्राउंड के खेल के मैदान को कहा कि इसको ठीक करने की बात कही गई है, और इसका एस्टिमेशन बताया गया है, इसके लिए 15 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं, बाकी सारी चीजें